कोरोना के दौरान वसंत कुंज की रोड को बंद किया गया। जी हां, किशनगढ़ से वसंत कुंज जाने वाली B1 को रोड को कोरोना महामारी के दौरान पिछले 5 महीने पहले बंद किया गया था, लेकिन अभी तक इस रोड को नहीं खोला गया, जिसकी वजह से यहां से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कि ये सड़क खुली है या बंद है। कुछ दुपहिया वाहन तो हालाँकि फुटपाथ पर अपनी बाइक चढ़ाकर निकाल लेते हैं, लेकिन जो पूरी रोड है जो कि किशनगढ़ से B1 जल बोर्ड की रोड को जोड़ती है, वो पिछले 5 महीनों से बंद है। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ सही भी है तो कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सड़क बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और दुपहिया वाहनों को देखिए किस तरीके से फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर अंदर जाने का रास्ता बनाना पड़ रहा है। वहीं अगर 4-व्हीलर की बात करी जाए तो वो लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों को मोड़ कर जा रहे हैं। पिछले 5 महीनों से ये सड़क इसी तरीके से बंद है। अब फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से इस सड़क को कब खोला जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर इस रोड को बंद किया गया है। अब ये दिल्ली पुलिस के द्वारा बंद किया गया है या अन्यथा किसी और सरकारी संस्था के द्वारा बंद किया गया है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फुटपाथ पर से गाड़ियाँ चढ़ाकर लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों ने बताया कि पिछले 5 महीनों से ये रोड बंद होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा इस सड़क को कब खोला जाएगा, लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस वजह से ये सड़क बंद है और उनको आने जाने में अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की, जो कि किशनगढ़ से वसंत कुंज B1 को ये रास्ता जोड़ता है, और देखिए किस तरीके से ये रास्ता बंद है और यहाँ से कैसे लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताज़ातरीन खबरों को पढ़ने के लिए विजिट करें www.rsoninews.com। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं दौलत शर्मा की रिपोर्ट। रास्ता कब से बंद है, क्या कहेंगे? ये करीबन जब लॉकडाउन हुआ था उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जब यहाँ कोरोना केसेस बढ़ने लगे थे B1 में, उसके बाद से रास्ते ब्लॉक हो गए थे। ये रास्ता कब दिया था, एक वहाँ जो हॉकर्स के साथ में वहाँ का भी वहाँ का चेक खोल दिया गया है गाड़ी आने जाने के लिए, पर ये रास्ता भी पूरा खुला नहीं है। बस यही है जो बाइक वाले आते हैं यहाँ से तोड़ दिया है और ये आने जाना जो करते, बीच में पुलिस वालों ने आकर बंद किया था इसको, फिर दोबारा वही सेम फिर दोबारा तोड़कर लोग यहाँ से रास्ता बनाकर निकल रहे हैं अपने आप। हाँ, दोबारा वहाँ से, क्योंकि जैसे यहाँ पास पास हो गए, यहाँ से रास्ता थोड़ा पास होता है, वहाँ वेरे लगा हुआ है उससे बचने के लिए, जैसे होता बिना हेलमेट जैसे घूम रहे वैसे निकलने के लिए ऐसे कर रखा है। तो इससे कोई दिक्कत भी आ रही है जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पता नहीं अभी अब भी मेरे को भी पता है यहाँ कितने केस रह गए हैं, केसेस की वजह से ही अभी बंद है। जब स्कूल खुलेगा तो ये भी शायद खुल जाएगा, पता नहीं स्कूल कब खुलना होगा। तो ज़्यादा कोरोना केसेस की वजह से अभी तक बंद किया हुआ है? हाँ, कोरोना केसेस फीवर में काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे। ठीक, ये रोड बंद है? ये कम से कम आपका 5 महीने से बंद है। तो क्या दिक्कत आ रही है, लोग ऐसे इधर उधर से निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब जो गाड़ी वाला है मतलब वो तो अपने चला कर मतलब जाता है, मतलब वही दिक्कत है, मतलब बंद करके रखा।